हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे। दोस्तों, पिछले तीन वीडियोस में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने की तीन केसेस देखी है और उसके एग्जाम्पल भी देखे है। आपने अभी तक पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के तीन केसेस नहीं देखी है तो उसे पहले देख ले, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं ये देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर इसे आखिर तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें जब भी क्वेश्चन में रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हमें दिया गया फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये देखना पड़ता है, और उसके बाद ही हमें वहाँ पर उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से ज़्यादा हो तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और उस तरह के फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पिछले तीन वीडियोज़ में तीन केसेस देखी है, जिसकी मदद से हम उन प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा टाइप जो है फ्रैक्शन का, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अगर न्यूमरेटर की डिग्री है डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा या फिर इक्वल हो तब हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे, अगर हमें एक क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं या फिर प्रोसेस क्या होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया फ्रैक्शन देखना है और उसे चेक कर लेना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ओके, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहा तो हमें ये दिए गए फोर स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे क्या करना है, देखिए दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती है तो तब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डू द एक्चुअल डिविजन एंड फाइंड क्यू आर डी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्चुअल में डिवीज़न करना है। डिवीज़न की प्रोसेस आपको मालूम है, आपने दसवीं तक पढ़ा है, तो वहाँ पे हमें डिवीज़न करना है। और जैसा कि हमें पता है फ्रैक्शन में हमें यहाँ पे रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन ही दिए जाते हैं, जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल करना है जो हमने दसवीं तक पढ़ा है, और उसके बाद हमें क्यू यानी कि क्वेश्चंट, उसके बाद आर यानी कि रिमाइंडर और डी यानी डिवाइज़र। तो हमें ये तीन वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, क्यू आर एंड डी, क्वेश्चंट रिमाइंडर एंड डिवाइज़र। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। सबसे पहले हमें एक्चुअल डिवीज़न करना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंट रिमाइंडर और डिवाइज़र फाइंड करना है। ओके, फिर उसके बाद में हमें सेकेंड स्टेप में करना है, उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम फिर कैसे लिखेंगे, क्यू प्लस आर बाय डी। तो उसके बाद हमें डिवीज़न के बाद हमें क्या करना है, उस दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसा लिखेंगे, क्यू प्लस आर बाय डी यानी कि क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। इस फॉर्म में हमें उस दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखना है और उसे इक्वेशन नंबर वन हमें लिखना है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है यानी कि आर बाय डी, तो एक्चुअल डिवीज़न करने के बाद जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आर बाय डी, तो ये आर बाय डी यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और उस प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें फिर आगे क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग थ्री केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमने पिछले तीन वीडियोस में देखी है। वही तीन केसेस का यूज़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आर बाय डी ये फ्रैक्शन आ रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये थर्ड स्टेप है। फिर लास्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपली इस आर बाय डी, इस पार्शियल इस फ्रैक्शन की जो
पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमें सिंपली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन इक्वेशन वन टू ऑब्टेन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हमें उस दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इस आर बाई डी के जो हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल रहा है उसकी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस तरह से हमें दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो ये चार स्टेप हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन में फॉलो करनी है। तो यही चार स्टेप हम अब करने वाले हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फर्स्ट एग्जांपल लिया है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वन। तो हम अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये दिया गया फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमने जो अभी चार स्टेप देखे हैं वो स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि ये दिया गया फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन करना है, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है जो कि एक्स वेरिएबल में प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है एक्स रेस टू फोर और डिनोमिनेटर क्या है एक्स क्यूब प्लस वन, यानी कि सिंपली हमें यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब प्लस वन, और हमें डिवाइड किसको करना है एक्स रेस टू फोर। तो हम यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लिख देते हैं जो हमने दसवीं तक पढ़ा है। तो ये बहुत ही आसान है डिवीज़न, तो अब हम देखेंगे ये डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर की वैल्यू, और इस तरफ हमें यहाँ पे लिखना है डिवाइज़र की वैल्यू, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखने के बाद हमें डिवीज़न कैसे करना है। तो इस डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से इस न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म को हमें पहले डिवाइड करना है, और आया हुआ क्वेश्चन हमें यहाँ पे ऊपर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब, उससे हम एक्स रेस टू फोर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिल जाएगा एक्स, और एक्स ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। ओके, तो इसके बाद ये क्वेश्चन आने के बाद हमें क्या करना है, इस डिवाइजर से पूरे डिवाइज़र से इस क्वेश्चन को हमें मल्टीप्लाई करना है, और आए हुए दो टर्म हमें इस न्यूमरेटर के नीचे यहाँ पे लिखना है। ओके, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स रेस टू फोर, जो कि हमें इस एक्स रेस टू फोर के एग्जैक्टली नीचे लिखना है। फिर उसके बाद में अगर हम वन से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स, और वो प्लस एक्स हमें यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये हो गया है डिवाइजर से इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन, और आए हुए टर्म हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल से हमें ये दो टर्म क्या करने हैं, सब्स्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस का साइन लगा देते हैं। ओके, अगर हम सब्स्ट्रैक्शन करें एक्स रेस टू फोर में से एक्स रेस टू फोर अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो ज़ीरो यहाँ पे है, तो ज़ीरो में से अगर हम एक्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या मिल गया है, माइनस एक्स मिल गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे डिवाइज़र में डिग्री क्या है, थ्री है, और यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है उसकी डिग्री क्या हो गई है, अभी वन हो गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस डिवीज़न की प्रोसेस को यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। हम आगे भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे वन हो चुकी है, जो कि इस डिवाइज़र की डिग्री से कम है, इसलिए हम यहाँ पे ही इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये ऊपर की वैल्यू एक्स, और डिवाइज़र हमारा क्या है एक्स क्यूब प्लस वन। तो इस तरह से हमें ये तीन वैल्यू मिल जाएंगे, डिवाइज़र डी, क्वेश्चन क्यू और रिमाइंडर आर।
ओके तो इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप यानी कि दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, क्यू प्लस आर बाई डी इस फॉर्म में हमें उसे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन यानी कि एक्स प्लस यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, तो इस माइनस से हम इसको यहाँ के प्लस को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइजर यानी कि एक्स क्यूब प्लस वन। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इक्वेशन वन लिखना है। तो ये हो गई है हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे अगर हम इक्वेशन वन के सेकंड टर्म को देखें तो ये फ्रैक्शन अभी क्या हो गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री अब डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो गई है। ओके तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इस सेकंड टर्म यानी कि x डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस वन इस वैल्यू को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और ये वैल्यू क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये हमने पिछले तीन वीडियोस में देखा है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके तो हम सेकंड टर्म को हम यहाँ पे सेपरेटली ले लेते हैं, लेट x डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू। ओके तो हमें अब इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको मालूम है अगर आपने उन तीन केसेस को अभी तक नहीं देखा है तो उन केसेस की उन वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उन्हें पहले देख लीजिएगा फिर उसके बाद यहाँ से इस वीडियो को देखिएगा। ओके तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए दोस्तों किस तरह करेंगे, यहाँ पे हम वन को वन क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्यूब है, इसलिए हम वन को भी वन क्यूब ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होता है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वन है, तो हम फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके तो ये हो गए हैं इसके फैक्टर्स। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली इस सेकंड ब्रैकेट को हम देख लेते हैं, इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो हमें यह पता चलता है कि ये क्या है, इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि हम इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते या फिर इसे लीनियर में फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो ये फ्रैक्शन फिर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ सॉरी इस फ्रैक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए केस थर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ओके जो कि क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेंस इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहले हमें यहाँ पे दिए गए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस इस सेकंड इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे ये इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो अल्फ़ाबेट एट अ टाइम लेने होंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय दिस इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको मालूम है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन टू के राइट हैंड साइड में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना है, फिर दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। वो स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं की है, आपने ये वो स्टेप यहाँ पे की तो भी चलेगा, नहीं किया तो डायरेक्टली आप इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इक्वेशन क्या हमें मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस
इंटू ब्रैकेट बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन थ्री में एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर को ज़ीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करनी होगी, माइनस वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, तो हम इक्वेशन थ्री में एक्स की जगह माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट में माइनस वन का स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस वन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटू ब्रैकेट बी इंटू माइनस वन प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इंटू अनदर ब्रैकेट माइनस वन प्लस वन। मैंने यहाँ पे इक्वेशन थ्री में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया है। फिर हमें इसको सिंपली यहाँ पे सिंपलीफाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन इक्वल टू इस ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी थ्री, और थ्री इंटू ए करने के बाद मिलेगा थ्री ए प्लस सेकंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि माइनस वन प्लस वन ज़ीरो होगा, ज़ीरो इंटू दिस ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, फिर इसके बाद हमें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये थ्री हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री। तो इस तरह से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम जानते हैं सेकंड अल्फ़ाबेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्योंकि ये फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन थर्ड केस का है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन थ्री में। ओके, तो हम एक्स की जगह ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थ्री में। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी और राइट हैंड साइड में क्या होगा, कैपिटल ए इंटू वन होगा प्लस सी इंटू वन। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिया है, आप सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं। ओके, तो फिर ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पे हमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि क्या है, माइनस वन बाय थ्री प्लस सी इंटू वन हो जाएगा सी। फिर उसके बाद ये माइनस वन बाय थ्री इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस वन बाय थ्री, यानी कि सी की वैल्यू वन बाय थ्री हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें लास्ट अल्फ़ाबेट यानी कि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं क्या करना है, अभी हमने जो दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं उन दो वैल्यूज़ को छोड़ के कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी, तो अब तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, तो एक्स की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें एक यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इंटू टू। ओके, तो इसके बाद हमें इस टू से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मिलेगा टू बी प्लस टू सी। फिर उसके बाद हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ए और सी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू बाई थ्री माइनस वन बाय थ्री, हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये टू बी, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स की जगह वन सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थ्री। फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम एक्स की जगह वन लेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा वन इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू वन प्लस इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इंटू टू। फिर हमें इस टू से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा टू बी प्लस टू सी। ओके, और यहाँ पे ये दो टर्म एज इट इज़ रहेंगे। फिर उसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमने अभी अभी यहाँ पे फाइंड की है। तो ए की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री लिखेंगे और सी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे वन बाय थ्री इंटू ये टू हो जाएगा टू बाय थ्री। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये टू बाई थ्री हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं, इस माइनस वन बाई थ्री को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री, और ये प्लस टू बाई थ्री इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री। लिखते समय हम टू बी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और बाकी के कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में। ओके, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं,
देखिए दोस्तों, प्लस वन बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री, इन दोनों का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस वन बाय थ्री। ओके, फिर वन माइनस वन बाय थ्री करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, टू बाय थ्री। तो ये टू बाई थ्री मिलने के बाद हमें फाइनली बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का टू हमें राइट हैंड साइड में ले जाके यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो ये होगा टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू, फिर यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा और हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी वन बाई थ्री। तो इस तरह से हम इन तीन अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये तीनों अल्फ़ाबेट की वैल्यू पहले इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इक्वेशन टू की वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन टू में मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, ए की जगह हम रख देंगे माइनस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस इंटू ब्रैकेट बी की वैल्यू वन बाई थ्री इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू वन बाई थ्री ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हो गई है इस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो हमने इक्वेशन थ्री में इसको लिया था, सॉरी इक्वेशन टू में जो हमने यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे कम्प्लीटली हमें मिल गई है। लेकिन ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन दिया गया फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन वन का सेकंड टर्म है, यानी कि सेकंड टर्म है इक्वेशन वन की, आर बाई डी की वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है वो वैल्यू हमें इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू फर्स्ट टर्म एक्स एज इट इज़ इक्वेशन वन की माइनस सेकंड टर्म यानी कि आर बाई डी जो फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पे निकाली है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ये ब्रैकेट माइनस वन बाई थ्री ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस इंटू ब्रैकेट वन बाई थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई थ्री ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इस तरह से हम इस दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्योंकि ये दिया गया फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए हमें अभी हमने जो चार स्टेप देखे हैं वही स्टेप हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे बाय एक्चुअल डिविजन। आपको मालूम है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्चुअल डिवीजन करना होगा। तो इस दिए गए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है एक्स रेस टू फोर और डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा डिवाइज़र है डिनोमिनेटर। तो अब हम कर लेते हैं एक्चुअल डिवीजन। यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स रेस टू फोर, यहाँ पे इस साइड पे हम लिखेंगे डिवाइज़र यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन कैसे करना है, अभी हमने देखा था इस डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से इस दिए गए न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म को यहाँ पे पहले डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में एक ही टर्म है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे कोई टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है न्यूमरेटर में तो इसलिए ये अकेला ही रहेगा यहाँ पर। तो हम डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स रेस टू फोर को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा जो कि हमें यहाँ पे ऊपर लिखना है एक्स स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस आए हुए क्वेश्चन को हमें इस डिवाइज़र से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करना है और जो भी टर्म हमें मिलेंगे वो हमें इस एक्स रेस टू फोर के नीचे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म एक्स रेस टू फोर, फिर उसके बाद माइनस वन से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस फर्स्ट यहाँ पर जो ऊपर की जो वैल्यू है एक्स रेस टू फोर उसमें से हमें ये दो टर्म क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ पे साइन लिख देते हैं यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन लिखे तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, अगर हम एक्स रेस टू फोर में से एक्स रेस टू माइनस फोर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, जो हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये प्लस
क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद हमें क्या टर्म मिलेगी, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे आगे डिवीजन करना है या नहीं, ये इस टर्म की डिग्री पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारे डिवाइज़र की डिग्री 2 है और इस टर्म की डिग्री भी क्या है, 2 है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे डिवीजन कंटिन्यू करना होगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से इस टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म को, यहाँ पे एक ही टर्म है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड हम अगर हम करें तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, प्लस वन। तो यहाँ पे हम प्लस वन लिखेंगे ऊपर। फिर उसके बाद में हमें इस क्या करना है, इस सेकंड क्वेश्चन को हमें डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है और आए हुए दोनों टर्म यहाँ हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। ओके, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन इंटू प्लस वन ये हो जाएगा माइनस वन। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दो टर्म इस वैल्यू में से माइनस कर देना है, सबस्ट्रैक करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस माइनस साइन। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करें तो ये हो जाएगा ज़ीरो, फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओके, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन। अभी ये वन जो वैल्यू है ये क्या वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पे हमारा डिवीजन की प्रोसेस क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारी रिमाइंडर, और ये ऊपर की वैल्यू बन जाएगी क्वेश्चंट, और ये वैल्यू हमारी क्या है, डिवाइज़र है। ओके, तो हमें यहाँ पे ये तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, सेकंड स्टेप, दिस दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, क्यू प्लस आर बाय डी इस फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख देते हैं एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस आर की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर यह है यहाँ पे वन, फिर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर होगा। जब हम इस सेकंड टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम इक्वेशन नंबर वन लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम जानते हैं थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की जो सेकंड टर्म है यानी कि आर बाय डी की वैल्यू, इस फ्रैक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको सेपरेटली ले लेते हैं, नाउ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा, तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं, वन को वन स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वन इंटू अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस वन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों फैक्टर क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे केस फर्स्ट इस्तेमाल करनी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन की, जो कि क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड अल्फ़ाबेट बी डिवाइडेड बाय सेकंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर टू। ओके, तो इसके बाद इक्वेशन टू लिखने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इक्वेशन टू में राइट हैंड साइड को एलसीएम लेना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग एलसीएम ऑन आरएचएस। ओके, तो यहाँ पे हम इस लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमें लेना है एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट यानी कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है दोनों तरफ का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिल जाएगा वन इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। ओके,
फिर हमें क्या करना है, इक्वेशन थ्री में प्रेजेंट अल्फ़ाबेट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और दो ही अल्फ़ाबेट है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर फैक्टर को हम वन बाय वन ज़ीरो करेंगे तो हमें दोनों अल्फ़ाबेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले एक्स प्लस वन इस फैक्टर को ज़ीरो करेंगे, तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू रखनी होगी माइनस वन। तो लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो हम यहाँ पे इक्वेशन थ्री में एक्स की जगह वन माइनस वन रख देते हैं, तो हमें मिलेगा वन इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम माइनस वन लिखें तो माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू, और माइनस टू इंटू ए हो जाएगा माइनस टू ए, प्लस सेकेंड टर्म की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी सिंपली। फिर उसके बाद a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनस टू को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा a का, या फिर a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन बाय टू। इसके बाद हमें सेकंड अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड लीनियर फैक्टर को ज़ीरो करना है, जो कि क्या है x माइनस वन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू वन सब्टीट्यूट करना है, तो हम कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री, और इक्वेशन थ्री में x की जगह हम x की वैल्यू वन रखेंगे तो हमें मिल जाएगा वन इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगी ज़ीरो, प्लस सेकेंड टर्म ये हो जाएगी टू बी, और उसके बाद हमें क्या b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाके डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस वन बाय टू, यानी कि सिंपली वन बाय टू ये हो जाएगा। और यहाँ पे a और b की वैल्यू मिलने के बाद हमें मालूम है क्या करना है, इक्वेशन 2 में इस फ्रैक्शन की जगह जो हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन किया है उसमें हमें a और b की वैल्यू रख देना है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू यानी कि वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन ये क्या है, आर बाई डी की वैल्यू है और ये इक्वेशन टू में प्रेजेंट है। तो इस फ्रैक्शन की यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू आई वाली है वो वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे therefore इक्वेशन वन बिकम्स एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़, प्लस यहाँ पे r बाई डी की वैल्यू यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो हमने अभी अभी पार्शियल फ्रैक्शन करके निकाली है वो वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमें मिलेगा माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो इस तरह से हम दिए गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, यह आपको इन दो एग्जाम्पल की मदद से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।